अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। शक्ति प्रदर्शन और आवाम की परेशानी, जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलते हैं। नॉमिनेशन यानी उम्मीदवारी के लिए अर्जियां दाखिल करने का सिलसिला जारी और ये 20 तारीख तक चलता रहेगा। सियासी सरगर्मियां, मीटिंगें, इजलास, लोगों को मिलना, इन्हें लालच या तोहफे तहायफ देने का भी काम खुफिया तौर पर जारी होने की इत्तला हासिल हुई है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि जिन लोगों को हम अवामी नुमाइंदे बनाकर संसद या असेंबली में भेजते हैं, क्या वाकई अवामी मसाइल को समझने की कुव्वत रखते भी हैं? मैं किसी एक पार्टी पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग आगे चलकर हुकूमत करने का दावा करते हैं या कायद और मंत्री बनकर हुकूमत में मौजूद रहते हैं, आखिर आवाम की परेशानियों का ख्याल इन्हें क्यों कर नहीं रहता? आज कसीर तादाद में भाजपा के जगदीश शेट्टर ने अपनी उम्मीदवारी की अर्जी दाखिल की, जबकि इससे पहले भी वो अपना नॉमिनेशन दर्ज कर चुके थे, लेकिन सियासी पार्टियों में एक तरह की होड़ लगी हुई है। हमने कुछ राह चलते खवातीन बुजुर्गों से सवाल पूछा तो कईयों को क्यों आए हैं इसका तक इल्म नहीं रहता। खैर, बड़ी तादाद में तपती हुई धूप में लोगों को लाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखा जाता है और ये तमाम सियासी पार्टियां करते रहते हैं। आवाम को लेकर हासिल क्या होता है ये भी समझने से कासिर इसलिए होते हैं क्योंकि तमाम तो आप ही के वोटर्स हैं और आप ही को वोट देते हैं। खैर, आज हम एक दूसरे पहलू की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल शादियों का सीजन है, लोग दूर दराज से अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब की शादियों में पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं और अक्सर समाज का बड़ा तबका इन सियासी सरगर्मियों से वाकिफ नहीं रहता कि आज कांग्रेस की रैली है या भाजपा की रैली है या किसी और अपक्ष उम्मीदवार की रैली है वगैरह। लिहाजा जब घर से निकलते हैं तो इन्हें हर तरफ बैरिकेड्स के जरिए रास्तों को दूसरी तरफ मोड़ते हुए ट्रैफिक पुलिस नजर आती है और जाहिर है रास्तों को मोड़ने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम का नजारा भी देखने को मिलता है। मुसलमानों की शादियां, अगर मुसलमानों का जिक्र किया जाए तो पहले ही देर से होती हैं, मतलब निकाह देर से ही पढ़ा जाता है। वक्त पर बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ते हैं निकाह में और उसमें शिरकत भी करते हैं और वहाँ और भी देरी इन रैलियों की वजह से देखने को मिलती है। वही हिंदुओं में और इनकी दिगर जातियों में मुहूर्त को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लिहाजा इन मौके पर यही मुहूर्त पर दूल्हा पहुंच नहीं पाता, जिससे कई बार इसे अच्छा भी नहीं समझा जाता। अब ऐसे वक्त में किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? एम्बुलेंस की भी यही कैफियत रहती है, जब सड़क ही पूरी तरह से जाम है तो मरीज अस्पताल तक कैसे पहुंच पाएगा? लिहाजा सड़कों पर रास्ता तो दिया जाता है लेकिन रैलियों की भीड़ इतनी होती है कि एम्बुलेंस जाना भी चाहे तो जा नहीं पाती और यही नजर आज भी देखने को मिला। यहाँ तक मुर्दा गाड़ी, जिसे शववाही का कहा जाता है, वो भी इन रैलियों की नजर होती देखने को मिली। दुल्हा बेचारा जिंदगी की एक नई शुरुआत के ख्वाब देखता रहता है, उसे इन रैलियों की रुकावटों से होकर गुजरना पड़ता है। मरीज, मुर्दा और कुछ किसी अहम कामों से घर से निकले हुए लोग होते हैं जिन्हें रैलियों का इल्म नहीं होता तो परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब, क्या अपने आप को अवामी नुमाइंदे समझने वाले आखिर अवाम के लिए वबाले जान क्यों बन रहे हैं? और मामला यहीं पर खत्म नहीं होता, इन्हें अख्तदार में बिठाने के बाद मंत्रियों के काफिले गुजरने लगते हैं तो सड़कों को बंद कर दिया जाता है। और वैसे भी आपको शक्ति प्रदर्शन की जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है? लाखों रुपए खर्च कर देहातों से लोगों को टेम्पो क्रूजर में भर भर कर लाए जाते हैं जिनमें बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे, खवातीन भी रहती है, आखिर साबित क्या करना चाहते हो? लिहाजा इस पर तबादले ख्याल होना चाहिए। किसी के लिए जिंदगी और मौत का मामला रहता है तो किसी के लिए जिंदगी का अहम तरीन दिन होता है। रोजमर्रा की जिंदगी के मसाइल बहुत होते हैं, सुबह से शाम तक कुछ लोगों की जिंदगी दो वक्त की रोटी में गुजरती रहती है, किसी तरह से जद्दोजहद करके जुगाड़ करके उसे घर चलाना होता है। कुछ फैक्ट्रियों को जाते रहते या दुकानों में, दफ्तर को जाते रहते, सैकड़ों लोगों के मसले सिर्फ इन रैलियों की वजह से पेश आते रहते हैं। बेलगाम शहर में चन्नम्मा सर्कल और डीसी दफ्तर के सामने मसरूफ तरीन सड़क कहा जाता है। शहर के अहम सड़कों को ही बंद करके लोगों को शहर का चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया जाए और वो भी उन लोगों के लिए, इन्हीं आवाम के प्रतिनिधि यानी अवामी नुमाइंदे बनाकर परेशानियों को हल करने का वादा कर चुके होते। जरूरत है इस पर सोचने की, पर यहाँ कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। कस्में, वादे, तमाम सियासी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के जरिए सिर्फ करते तो रहते हैं, फिर आवाम को 5 साल तक सशक्ति हुई जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। अदालत, इलेक्शन कमीशन, सरकारी एजेंसियां भी अब सियासी पार्टियों के दबाव में काम करने की बातें और इल्जाम बारहा लगाए जाते रहे। अवाम के दिलों में सियासी पार्टियां इनके लीडरों को लेकर गुस्सा है, फरियाद करे तो किस से करे? इस तरह की कैफियत जनता जनार्दन की हो चुकी है। झूठे वादे, कस्में खाकर दिशा भूलो और झूठ बोलने वालों पर भी इलेक्शन कमीशन या फिर अदालतों के जरिए कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि मैनिफेस्टो के जरिए झूठ बोलकर सत्ता में आने वाली पार्टी एक तरह से आवाम को धोखा ही दे
ले रही है, लिहाजा झूठे वादे करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में बिला वजह आवाम को परेशान करने वाली रैलियों पर भी पाबंदी लगानी चाहिए कि मांग आवाम में देखी जा रही है। देहात करियों से धूप में बुजुर्गों, बच्चों और खवातीनों के हाथों में झंडे थाम कर भीड़ का हिस्सा क्या हकीकी तौर पर पार्टियों के चाहने वाले होते हैं या फिर मजबूर जिंदगी का हिस्सा, ये भी समझना जरूरी है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि सियासी भीड़ का कुछ हिस्सा किराए पर लाए जाते हैं और शक्ति प्रदर्शन की भीड़ पर इस तरह के इल्जाम बारहा लगाए जाते रहे। जो भी हो, लेकिन मामला एक दिन का ही होता है, पर कुछ लोगों के लिए कुछ लम्हे ही अहम होते हैं जिसका ख्याल इन सियासी नुमाइंदों को नहीं रहता। इन्हें तो हर हाल में इख्तदार तक पहुंचना होता है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।